स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में आपको 20x30 600 स्क्वायर फीट पर बन रहे एक मकान के बारे में दिखाऊंगा। यदि आपके ऐसी कोई प्लानिंग हो, आपका प्लाट 20x30 600 स्क्वायर फीट है, तो इसमें से बहुत सारी चीज़ों को आप चयन कर सकते हैं, अपने प्लान पर शामिल कर सकते हैं। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 20x30 600 स्क्वायर फीट पर यहाँ पर क्या क्या बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ सामने का जो फ्रंट है, यहाँ 20x30 600 स्क्वायर फीट पर इसको बनाया गया है। तो आइए सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लास्टर करके और यहाँ बढ़िया से खिड़की से यहाँ पर आपको डिज़ाइन को आप दिख जाएगी बढ़िया तरीके से। यहाँ पर 3x3 इसकी खिड़की को साइज को रखा गया है और यहाँ पर दाने का डिज़ाइन देकर बढ़िया सा यहाँ पर कलर हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया सा लगेगा। और यहाँ प्लास्टर की कटिंग दी गई है तो आप देख सकते हैं यहाँ बढ़िया सा लग रहा है। और यहाँ पर लाइटिंग वगैरह दी गई है जो इसके रात को चालू होगी तो यहाँ पर इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ाएगी। और यहीं पर आपको गाड़ी पार्किंग दिख जाएगा, आप देख सकते हैं यहीं पर गाड़ी पार्किंग और यहीं पर आपको बढ़िया सा एक गेट एक लोहे का यहाँ पर लग जाएगा। और यहाँ गाड़ी पार्किंग आप देख सकते हैं 10x15 यहाँ गाड़ी पार्किंग के साइज को यहाँ पर रखा गया है। और यहीं पर आप देख सकते हैं बोर और पानी का टैंकर की यहाँ व्यवस्था दी गई है। तो आप देख सकते हैं यहीं से आपको दूसरी मंजिल पर जीना जाता हुआ दिखेगा। गाड़ी पार्किंग पर से यहीं आप देख सकते हैं यहाँ से आप आएंगे और यहीं से आपको दूसरी मंजिल के लिए जीना आपको दिख जाएगा। और यहीं पर आपको एक बेडरूम यहाँ पर 3.5 फीट का यहाँ पर एक गेट रखा गया है और यहीं पर एक रूम यहाँ पर दिया गया है। और यहीं पर एक स्लिप आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्लिप दी गई है, इसके साइज को 10x10 इसके साइज को रखा गया है। और यहीं बढ़िया सी एक विंडो 4x4 यहाँ पर दी गई है ताकि इस रूम पर उजाला हवा यहाँ से आ सके। आप देख सकते हैं बढ़िया सा आप यहाँ से नज़ारा दिख रहा है। और यहीं से आपको एक किचन दिखेगा, इसका साइज 7x9 इस किचन को रखा गया है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे यहाँ पर भी एक स्लिप दी गई है सामान वगैरह रखने के लिए किचन पर, बढ़िया से यहाँ पर किचन बनाया गया है ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिखेगा लेट बाथ, यहाँ पर लेट बाथ को बनाया गया है आप देख सकते हैं। इसका साइज 7x5 यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं खाली एरिया यहाँ पर रखा गया है, आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। और यहीं पर उजाले के लिए आप देख सकते हैं एक वेंटिलेशन दिया गया है यहाँ पर ताकि इसका जो उजाला है यहाँ पर आ सके, किचन पर भी आ सके, यहाँ लेट बाथ और यहाँ खाली जगह स्पेस जगह पर भी आ सके और इतने देर पर आपको अंधेरा नज़र नहीं आएगा। और यहीं आपको एक हॉल बढ़िया सा आपको दिखेगा, इसका साइज 10x15 इस हॉल के साइज को यहाँ पर रखा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो खिड़की दे रखी है वो बाहर होती से दे रखी है, यह बढ़िया यहाँ से उजाला वगैरह इस हॉल में आ सके तो अंधेरे की कोई संभावना यहाँ पर नहीं है। तो आप देख सकते हैं गाड़ी पार्किंग कर से यहीं पर से आपको एक गेट यहाँ दिख जाएगा और एक गेट यहाँ दिख जाएगा। तो यहीं गाड़ी पार्क पर दिया है तो आप यहीं कहीं आ सकते हैं और आप इधर से भी आ सकते हैं, तो इस पर दो गेट दिए गए हैं। तो बढ़िया सी प्लानिंग यहाँ पर दी गई है 20x30 600 स्क्वायर फीट पर, बढ़िया सा प्लान यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक सेफ्टी टैंक, यहाँ पर सेफ्टी टैंक दिया गया है। और यहीं से आपको दूसरी मंजिल के लिए जीना, अभी यहाँ पर काम चल रहा है, जब ये थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी भी वीडियो मैं आपको ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ बढ़िया, और यहाँ आपको एक बढ़िया सी खिड़की वगैरह यहाँ पर लग जाएगी तो यहाँ पर भी बढ़िया सा उजाला आपको दिखेगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ बढ़िया से एक लोहे का गेट, वो यहाँ टावर पर छत डल चुका है बढ़िया से यहाँ आप देख सकते हैं। वो यहाँ पूरा ओपन एरिया, तो इस तरीके से इसको प्लान किया गया है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, धन्यवाद।